yo pa' te dar. De mi falda resumo, mi falda música y tal. Mi niña ahora tan bonita, mi falda y por ella me siento. Mi maña, मोदी जी। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ M500 की सबसे खतरनाक ट्रिक के बारे में। और इस ट्रिक को पता करने के बाद आप अपने गेम में पहले राउंड, जो भी क्लैश कॉर्ड का पहला राउंड होता है, उसमें काफी सारे बंदे M500 का यूज करते हैं, वन टैप मारने का ट्राई करते हैं। आपका हर एक वन टैप लगेगा, आप पूरी स्क्वाड को मार सकते हो भाई। और सबको क्या करना है इस ट्रिक में, मैं जो भी आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इनको जाके अपने गेम में फॉलो करना है। अगर आपने ढंग से इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया, मेरी गारंटी है, 101% गारंटी है कि आपके हर एक शॉट हेडशॉट लगेगा। और अगर आप इस चैनल पे नए आ रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट, तो चलिए शुरू करते हैं करते हैं। तो इस M500 से वन टैप मारने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट आएगा वो रहेगा यहाँ पे हमारी सेंसिविटी। देखो यार, आपको सेंसिविटी में ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ दो सेंसिविटी को ध्यान रखना है। पहला रहेगा यहाँ पे अपनी जर्नल की सेंसिविटी। अब सबको पता है कि भाई जर्नल की सेंसिविटी जितनी ज्यादा होती है उतने ज्यादा हेडशॉट पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जर्नल की सेंसिविटी 100 रखना है M500 के लिए, एंड जो आपकी रेड डॉट की सेंसिविटी है उसको आप 90 रखना। 90 से ऊपर मत जाना, नहीं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, स्टेबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप 90 रख सकते हो M500 के लिए रेड डॉट की सेंसिविटी। एंड जैसे ही आप ये दोनों सेंसिविटी रख लोगे, ऑटोमेटिकली आपके जो हेडशॉट है ना, वो पहले से बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो कि रहेगा यहाँ पे हमारा एम सेट। देखो यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें सबसे पहले अपन शॉर्ट रेंज के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, जो शॉर्ट रेंज के लिए आपका एम सेट होना चाहिए वो हमेशा होना चाहिए वाइट। पहली बात तो आपका एम वाइट होना चाहिए, रेड बिल्कुल भी नहीं रखना आपको, एंड एनिमी की बॉडी के थोड़ा साइड में होना चाहिए। आप इस तरीके से अपना एम रख सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप वन टैप मारने का ट्राई करते हो, रोटेशन ड्रैग उठा के ईजिली आपका वन टैप यहाँ पे लगता है। दूसरा एम सेट रहेगा यहाँ पे हमारा लॉन्ग रेंज के लिए और मिड रेंज के लिए। इसमें आपको दो एम बता सकता हूँ मैं। सबसे पहला एम सेट रहेगा कि आपको एनिमी के पैरों के नीचे रखना है। अगर आपको कोई भी बंदा मिड रेंज में मिलता है तो ट्राई करना कि आप उसके एनिमी के पैरों के नीचे रखो। उसके बाद जैसे ही आप स्ट्रेट ड्रैग उठाओगे तो आपका वन टैप बहुत इजीली पड़ जाएगा। तीसरा जो सेट रहेगा मेरे लिए वो रहेगा आपकी, आप एनिमी के चेस्ट के ऊपर एम रखो। ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है इसको रखना। बस आपको क्या करना है, एनिमी की बॉडी पे रेड करना है एम, एंड एनिमी की बॉडी के ऊपर रखना, मतलब चेस्ट जहाँ पे रीजन रहता है यहाँ पे आपको अपना एम रखना है। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा भी स्ट्रेट ड्रैग करोगे, वैसे ही आपका वन टैप यहाँ पे बहुत आसानी से लग जाएगा और खतरनाक लेवल का लगेगा। तो इस हमारा पॉइंट नंबर 3 रहेगा ड्रैग स्पीड। देखो, इस चीज में बहुत सारे बंदे गलती करते हैं कि यार वो एक ही तरीके की ड्रैग स्पीड से ड्रैग करते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, जितनी कम रेंज रहती है उतनी ही स्पीड से आपको ड्रैग करना रहेगा। अगर आपको शॉर्ट रेंज में किसी बंदे को वन टैप या हेडशॉट मारना है, तो यार आपका जो ड्रैग स्पीड रहता है, यानी कि ड्रैग मतलब अपने फायर बटन को ऊपर ड्रैग करने की जो स्पीड रहती है वो बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। एंड अगर आपको लॉन्ग रेंज में बंदा मिलता है तो आपको काफ़ी कम ड्रैग स्पीड से भी अगर आप थोड़ा भी हेडशॉट मारने का ट्राई करोगे तब भी आपका हेडशॉट पड़ जाएगा। तो आपको गाइस ये ध्यान रखना है कि आपकी रेंज कितनी है, एंड उसके हिसाब से अपनी ड्रैग स्पीड को मेंटेन कर। तो इस पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पे मिस्टेक्स, यानी कि आपको कुछ मिस्टेक्स जो है उनको अवॉइड करना है। पहली मिस्टेक है जॉयस्टिक बटन का यूज़ करना। देखो यार, आपको जॉयस्टिक बटन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना जब भी आप वन टैप मारने का ट्राई करो, क्योंकि अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आपकी एक्यूरेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो ये है कि आपको कंटिन्यूस फायर नहीं करना। मान के चलिए M500 से अगर आप एक शॉट मारते हो किसी बंदे को एंड वो हेडशॉट कनेक्ट नहीं होता, तो आपको अपना एम सेट को थोड़ा सा बदलना है, उसके बाद वापस ट्राई करना है। क्योंकि अगर आप एक ही एम सेट में ट्राई करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि वन टैप बिल्कुल भी ना पड़े। एंड यहाँ पे हमारा लास्ट एंड 5th पॉइंट आएगा प्रैक्टिस। देखो यार, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही अच्छे बनते जाओगे, तो ट्राई करो कि आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दो, एंड चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।